आज मैं आपको 1xBet में डिपॉजिट करने का, विड्रॉ करने का और बैट लगाने का तरीका बताऊंगा। डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले आपने राइट हैंड पे ऊपर प्लस के आइकन को क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आए, यहाँ से इजी पैसा फास्ट को क्लिक करें। फिर नीचे दिया हुआ नंबर आपने सेव कर लेना है और साथ में उसका नाम भी सेव कर देना है। फिर इजी पैसा को ओपन करें, यहाँ से सेंड मनी पे जाएं, इजी पैसा ट्रांसफ़र, यहाँ पे आपने वही नंबर ऐड करना है और यहाँ पे आपने देख लेना है कि नाम और नंबर सेम ही है। फिर आपने जितना डिपॉजिट करना हो आपने उतनी पेमेंट यहाँ पे लिखनी है और एक बार फिर आपने नाम और नंबर दोनों देख लेने हैं, कंफर्म करना है। नाम और नंबर दोनों कंफर्म करने के बाद आपने सेंड मनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे सामने उस बंदे को पैसे चले गए हैं। पैसे भेजने के बाद पेमेंट स्लिप आपने सेव कर लेनी है गैलरी में। उसके बाद इजी पैसा की तरफ से जो आपको मैसेज आएगा 3737 से, उसको आपने ओपन करना है। ये आखिर में TRX ID होते हैं, ये आपने कॉपी कर देनी है। TRX ID आपको पे स्लिप में मिल जाएगी, ये सामने आपको इजी पैसा में नज़र आ रही होगी, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। और जैस कैश के लिए मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, ये TID ID है जैस कैश की, तो यहाँ से आपने कॉपी कर देनी है। वापस आपने 1xBet में आना है और वो TRX ID आपने यहाँ पे इंटर करनी है। TRX ID लिखने के बाद आपने इजी पैसा वॉलेट नंबर लिखना है जिससे आपने उस बंदे को पेमेंट भेजी है। नीचे इजी पैसा वॉलेट का नाम लिखना है, इजी पैसा का नंबर जिसके नाम पे सेव है। उसके बाद आपने दोबारा TRX ID कन्फर्म करनी है कि सेम है और अमाउंट आपने लाजमी चेक करनी है कि आपने अमाउंट कितनी भेजी है। यहाँ पे हमेशा अमाउंट 100 ही आएगी, तो मैंने 1000 भेजा है तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। पेमेंट देखने के बाद आप सब TRX ID, नाम और इजी पैसा नंबर देख के कन्फर्म कर दें और बस हो गया। डिपॉजिट रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। फिर आपने वापस आना है चैट में, कस्टमर सपोर्ट में, चैट में, और यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे मैसेज में जाके लिखना है कि मैंने अभी पेमेंट भेज दी है। उनको पेमेंट की रसीद भी आपने भेजनी है, TRX ID नंबर और इसी पैसा का वॉलेट नाम भी आपने लिख के उनको सेंड कर देना है। दोबारा डिपॉजिट में आके चेक करें, ये देखें कि अब मेरी रिक्वेस्ट जो है वो अभी आउटस्टैंडिंग में आ चुकी है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और आपके सामने ये मेरे डिपॉजिट आ गया है। इसमें कम से कम आधा घंटा लगता है। डिपॉजिट होने के बाद अभी मैं आपको बैट लगाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने PSL पे जाना है। लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर का मैच अभी होने वाला है। मैं 1xBet में कभी मैंने बैट लगाई नहीं है, शर्त नहीं लगाता, सिर्फ ये वीडियो पर्पस के लिए मैं बैट लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सबसे आखिर में आपने जाना है स्टेटस में और यहाँ पे रिस्क कम है, मतलब के लॉस का और प्रॉफिट भी कम है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने T20 में हमेशा सेंचुरी पे बैट लगानी है, मतलब कि T20 में हर कोई सेंचुरी तो नहीं कर सकता। अभी ये जैसे मिर्ज़ा बेग और फ़ख्र जमान है, अभी फ़ख्र जमान सेंचुरी तो मेरे अंदाज से नहीं करेगा, तो मैं इस पे बैट लगाता हूँ। यहाँ पे अभी मैं 1000 देखता हूँ, 1000 की बैट लगाता हूँ तो मुझे पैसे कम वापस आएंगे, 1062 आएंगे, मगर ये इसमें लॉस का चांस कम है, तो अभी मैं इस पे बैट लगा देता हूँ। ये मेरी बैट लग चुकी है, अभी आपके सामने मेरी बैट लग चुकी है। अभी वेट करते हैं और अभी दोबारा 1xBet को ओपन करते हैं। ये देखें आपके सामने मैं विन कर चुका हूँ बैट, 1000 थे तो अभी 1062 हो चुके हैं। ये आपके सामने देख लें, वॉन और फ़ख्र जमान जो है वो 100 नहीं कर सका, तो ये वैसे ही मैं वीडियो पर्पस के लिए बना रहा हूँ, मैं बैट लगाता नहीं। अभी आपको मैं विड्रॉ करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है, उसके बाद विड्रॉ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। मैंने अभी इजी पैसा से विड्रॉ लेना है तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करूँगा। आप जैज कैश से भी कर सकते हैं। इजी पैसा का भी मिनिमम 1000 आ रहा है, तो मैंने 1062 निकालने हैं तो मैं 1062 यहाँ पे इंटर करूंगा। नीचे जी पैसा का वॉलेट नंबर लिखूंगा,
यहाँ पे आपने वो नंबर लिखना है जिस पे आप पेमेंट मंगवाना चाहते हैं, और नीचे इजी पैसा वॉलेट का नाम लिखना है जिसके नाम पे इजी पैसा का अकाउंट रजिस्टर हो। फिर आपने सब कुछ चेक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये देखें जी, अभी एरर आ चुका है कि मुझे सबसे पहले अपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने पर्सनल प्रोफाइल पे आना है, यहाँ से आपने एडिट पे जाना है। तो यहाँ पे आपने अपना नाम, नीचे कंप्लीट नाम और डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ इंटर करने के बाद, आप यहाँ पे कुछ गलत भी लिख दें तो वो भी चल जाएगा, मतलब कि आईडी कार्ड नंबर वगैरह। तो उसके बाद आपने जीमेल पे इसको लाजमी रजिस्टर करना है। ये मेरा जीमेल पे अभी आ चुका है कोड, तो वो कोड अभी मैं यहाँ पे इंटर करूँगा और एक्टिवेट के बटन को क्लिक करूँगा। तो ये देखें मेरा ये कनेक्ट हो चुका है जीमेल के साथ। अभी दोबारा मैं उसी तरीके से विड्रा पे जाऊँगा, यहाँ पे इजी पैसा को ओपन करूँगा, पेमेंट करेक्ट करूँगा 1062, नीचे वही इजी पैसा का अकाउंट नंबर, नीचे अकाउंट का नाम जिसके नाम पे रजिस्टर हो इजी पैसा, और सब कुछ कंफर्म करने के बाद आपने कंफर्म में क्लिक करना है। तो यहाँ पे उस नंबर पे एक एसएमएस का कोड जाएगा, तो अभी देखें आपके सामने वो कोड आ चुका है। यहाँ से इस कोड को कॉपी करूँगा। कोड को कॉपी करने के बाद मैंने वन एक्सपैट पे ये नीचे जाके पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद कंफर्म। ये देखें जी, मेरी रिक्वेस्ट जो है वो भी अंडर रिव्यू में आ चुकी है, तो थोड़ा सा वेट करूँगा। ये मुझे ईमेल भी आ चुका है, विड्रॉ की जो रिक्वेस्ट है, नाम वगैरह सब कुछ ये सही है। तो अभी देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट जो है अप्रूव्ड हो चुकी है। तो अभी तकरीबन मेरे पास अभी 4 रुपये हैं तकरीबन इसी पैसा में। 24 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाती है। तो अभी ये देखें, 18 घंटे के बाद मेरी पेमेंट आ चुकी है आपके सामने 1062 की। ये देखें, नंबर आ चुका है और मेरे पास 4 रुपये तकरीबन पहले थे, तो 1066 हो चुके हैं। फिर सामने मैंने विड्रा करवा लिया है, लाइव प्रूफ है। तो अभी मैं आपको इसी पैसा पे भी दिखा देता हूँ। ये देखें 1066 मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें।